नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीएम का बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला है। 20 जुलाई से बाजार बंद करने के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि अब जो रात को 10 बजे बाजार बंद हो रहे थे, वहीं अब जो है सोमवार से रात को 8 बजे बंद होंगे। सभी लोग देखें और इस पर अपने विचार लिखें। तो चलिए पूरी रिपोर्ट जो है विस्तार से जान लेते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, बाजार बंद होने का समय बदला, निजी कार्यालयों में अब 50% उपस्थिति, चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कई बड़े निर्देश जारी किए हैं। भोपाल में बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम ने सख्ती दिखाई। सीएम के आदेश के अनुसार अब निजी कार्यालयों में 50% से अधिक कर्मचारी आए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी कोरोना गया नहीं है, निश्चिंत ना हो, पूरी तरह सावधान एवं सजग रहें, कहीं भी भीड़ ना लगाएं, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा अन्य सभी सावधानियां बरतें, जरा सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में कोरोना की पॉजिटिविटी दर लगभग 10% आई है, अतः यह विशेष सावधानी की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि भोपाल में सोमवार से यानी कल से निजी कार्यालय 50% क्षमता से संचालित हों तथा दुकानों के बंद होने का समय रात्रि 10 बजे के स्थान पर 8 बजे किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह सीमित रूप से मनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह सीमित रूप से मनाया जाए तथा उनमें पूरी सतर्कता एवं सावधानी रखी जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए। नसरुल्लागंज में लॉकडाउन किया जा सकता है। सीहोर जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां टेस्टिंग कम है, वहां प्रति 10 लाख सैंपलिंग 1370 है, जबकि मध्य प्रदेश में टेस्टिंग 7096 प्रति 10 लाख है। नसरुल्लागंज में पिछले दिनों में अधिक प्रकरण सामने आए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए हैं कि वहाँ टेस्टिंग बढ़ाई जाए, आवश्यकता होने पर लॉकडाउन किया जा सकता है। सीहोर जिले में वर्तमान में एक्टिव मरीज 61 हैं, जबकि 29 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव प्रकरणों में 15वें स्थान पर। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा में पाया गया है कि मध्य प्रदेश एक्टिव प्रकरणों की दृष्टि से देश में 15वें स्थान पर है, वहीं पॉजिटिव प्रकरणों के मामले में 13वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 3.73 और रिकवरी रेट 68.3% तथा फर्टिलिटी रेट 3.24% है। गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई करें। विदिशा जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां शादी समारोह में अधिक व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शादी आदि समारोह में शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए, यदि कोई इसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिले में सैंपलिंग बढ़ाई जाए, सभी मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता से संचालित हों। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं, वे कॉलेज अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित हों, यदि वहां कोई कमी हो तो उसे तुरंत दूर कर पूर्ण सक्षम बनाया जाए। जो मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, उन्हें भी तुरंत पूरी क्षमता से संचालित करें। कोविड के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिन जिलों में पॉजिटिविटी दर ज़्यादा है, वे विशेष ध्यान दें। मुख्य सचिव श्री बैंस ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों की कोरोना पॉजिटिविटी दर ज़्यादा है, वे विशेष सावधानी रखें। समीक्षा में पाया गया है कि भोपाल, ग्वालियर, खरगोन, धार, सीहोर, श्योपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर की पॉजिटिविटी दर अपेक्षाकृत अधिक है। वहीं उज्जैन, सागर, शिवपुरी, दतिया आदि जिलों में दर कम आई है। हरदा, दमोह, शहडोल, आगर, मालवा, अनूपपुर, डिंडोरी, निवाड़ी व सिवनी की पॉजिटिविटी दर 0% आई है। किल कोरोना में 97% सर्वे पूर्ण बैठक में बताया गया कि किल कोरोना अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 97% स्वास्थ्य सर्वे कार्य पूरा हो गया है। ACS हेल्थ श्री मोहम्मद सुलेमान ने VC से बताया कि 20 जुलाई तक 100% सर्वे हो जाएंगे। सर्वे के दौरान 1,17,626 सैंपल लिए गए, जिनमें से 2,038 पॉजिटिव आए। पॉजिटिविटी दर 1.73% रही। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी का बाजार अब जो है सोमवार से रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप भी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बिना काम के बाहर ना जाएं तो सावधानी रखें, मास्क वगैरह सैनिटाइज साथ लेकर जाएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।